हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इंपल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, जो कि एफटी ग्राफ पर बेस्ड है। ठीक है, एरिया अंडर एफटी कर्व और एफटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, सो क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए बच्चों, ग्राफ गिवन है, दिस इज द ग्राफ एफटी ग्राफ। ठीक है, फोर्स इज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड टी इज टाइम इज अलॉन्ग एक्स, यूनिट इज सेकेंड एंड हेयर द यूनिट इज न्यूटन। ठीक है, सो एफटी ग्राफ इज गिवन, हेयर ऑल्सो एफटी ग्राफ गिवन, एफटी ग्राफ गिवन। ठीक है, हमने डिफरेंट तरह का ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं सो डेट कि सारा टाइप का क्वेश्चन इस पे जो बनता है आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, सो देखिए फर्स्ट केस में क्या करना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड। ठीक है, सो एफटी ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ जीरो से टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 11 सेकेंड ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, सो आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 11 सेकेंड, मीन्स टी इक्वल टू 11 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी क्या होगा इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, मीन्स वो बॉडी रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी यहां पर देखोगे सो यू इक्वल टू जीरो, यू इनिशियल बी इनिशियल जीरो या फिर यू लिख सकते हो इट इज जीरो। ठीक है, सो हमने क्या बताया था, एरिया अंडर एफटी ग्राफ इज व्हाट, इट इज इंपल्स। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले एरिया अंडर एफटी ग्राफ आपको निकालना है। ठीक है, सो अगर लीनियरली वेरिएबल फोर्स है या फिर कांस्टेंट फोर्स है, जैसे देखो यहां पर लीनियरली वेरिएबल है, ये भी लीनियरली वेरिएबल है। ठीक है, टाइम के साथ फोर्स यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर घट रहा है। ठीक है बच्चों, और यहां फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, सो ऐसे केस में जो आपका फिगर बनेगा, एफटी ग्राफ जो बनेगा, उसका एरिया हम लोग बेसिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, देन ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, देन अगर फोर्स आपका नॉन लिनियरली वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वेरिएबल फोर्स रहेगा बट नॉन लिनियर, मीन्स कर्व बनेगा, सो उस केस में हमने बताया आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, सो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करें। सो सबसे पहले बच्चों इसके अंदर एरिया निकालेंगे। सो एरिया क्या क्या हो सकता है, देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, दिस इज कॉन्स्टेंट फोर्स अप टू 5, सो 0 टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड, ये एरिया आप कैसे निकाल लोगे बच्चों, ये वाला एरिया, सो दिस इज व्हाट रेक्टेंगल ना, सो बेस देन दिस हाइट। ठीक है, सो इसका एरिया निकाल लो A1। ठीक है बच्चों, देन अब देखो एरिया दिस 5 to 8 सेकेंड, है ना, ये वाला जो एरिया आपका बन रहा है, दैट इज लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ ए बी सी डी ई एफ एच। ठीक है, सो ओ ए एफ एच ये क्या है बच्चों, ये रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल है। ठीक है, देन फिर आ जाइए, आप देखो ए सी डी ई एफ इसका फिगर देखो कुछ इस तरह का है ना, आप इस एरिया को चाहो तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ये वाला पार्ट रेक्टेंगल हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, सो ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, ठीक है, उसमें इस ट्रायंगल का एरिया को सम कर देना, टोटल ये एरिया निकल जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखोगे ध्यान से, सो इसको फर्दर टू पार्ट में अगर डिवाइड करोगे, सो एक पार्ट हो जाएगा आपका ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, है ना, सो ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, देन फिर बी सी डी ई, बी सी डी ई, सो ये भी एक ट्रेपेजियम है बच्चों। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अगर एक ट्रेपेजियम हम बना दे इस तरह का, है ना, ध्यान से देख लो बच्चों, मान लो इसका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दिस साइड्स आर पैरेलल, ये क्या है बच्चों, पैरेलल साइड, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम का वो साइड जो पैरेलल है, इसको हम लोग पैरेलल साइड बोलते हैं। ठीक है, सो मान लो अगर इसका लेंथ ये वाला एक्स है, दिस लेंथ इज वाई, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज जेड। ठीक है बच्चों, सो इसका एरिया ट्रेपेजियम का याद रखिए, दैट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, देन डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले मैं निकाल के एरिया दिखाता हूं इस तरह से, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, देन फिर इससे भी कंपेयर कर लेंगे, इक्वल आता है। सो सबसे पहले एरिया A1 निकालो बच्चों, A1, सो A1 का वैल्यू क्या होगा, इट इज दिस इज 5
0 to 5 seconds. So this difference is 5 minus 0. So this base is 5. So 5 into this height is 10. So it is much of 50. ठीक है, और यूनिट लिखोगे सो न्यूटन सेकंड लिख दो, क्योंकि ये आपका इम्पल्स है. ठीक है, इम्पल्स जनरेटेड बिटवीन 0 टू 5 सेकंड. सो अगर इसमें क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल देगा, मान लीजिए कैलकुलेट द इम्पल्स जनरेटेड बिटवीन 0 टू 5 सेकंड, सो दिस इज है ना, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द 0 टू 5 सेकंड. सो चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, इम्पल्स, सो दिस इज. ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, सो इस तरह से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं. सो आइए हम लोग आगे देखते हैं, पहले बाकी एरिया निकालते हैं. सो एरिया निकाल लो बच्चों, लेट से एरिया एरिया ए सी डी ई एफ, डायरेक्ट ए सी डी ई एफ. सो इसमें दो पार्ट है, एक तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, सो इसका बेस कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 11 माइनस 5 है ना, 11 माइनस 5, सो दिस बेस इज 6. ओके, सो इट इज 6 इंटू दिस हाइट, सो इट इज 10. ठीक है बच्चों, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, सो बेस कितना होगा, बेस इतना ही हो जाएगा ना बच्चों, सो इट इज अगेन हाफ इंटू बेस का वैल्यू 6 हो जाएगा, देन ये वाला हाइट बच्चों. सो देखो यहां पर 10 है, सो दिस इज 10, और यहां से यहां पूरा 20 है, सो 20 में से 10 घटा दो, सो इट इज 10. ठीक है बच्चों, सो इसको कैलकुलेट करोगे, सो 60 प्लस 30, सो इट इज 90 न्यूटन सेकेंड. ठीक है बच्चों, ये वाला एरिया आएगा. ठीक है, सो टोटल इम्पल्स, टोटल इम्पल्स, सो देखो अगेन हम बता रहे हैं टोटल इम्पल्स मीन्स 0 टू 11 सेकेंड में कितना इम्पल्स जनरेट हुआ. ठीक है बच्चों, सो टोटल इम्पल्स हो जाएगा दैट इज नेट एरिया, सो इट इज 50 प्लस 90, सो 140 न्यूटन सेकेंड, याद रखो. ठीक है बच्चों, अच्छा अभी इस एरिया को ट्रेपेजियम का जैसा निकालो. ठीक है, सो दो ट्रेपेजियम बनेगा है ना, एक ट्रेपेजियम आपका ये वाला बनेगा. ठीक है, दूसरा ट्रेपेजियम कौन सा बनेगा बच्चों, ये वाला. ठीक है, सो मान लो ये एरिया ए टू है, दिस इज ए थ्री, सो ए टू ए थ्री को सेपरेट निकालो. सो देखो मान लो ए टू निकालो, सो ए टू का वैल्यू क्या होगा बच्चों, हाफ, देन बेस, सो बेस इज 8 माइनस 5, दिस इज ओनली दिस मच, 8 माइनस 5, सो इट इज 3, देन इन टू सम ऑफ पैरेलल साइड, सो दिस इज 10 प्लस 20, ये 10 है यहां से यहां तक, देन दिस इज 20, सो 10 प्लस 20. ठीक है बच्चों, सो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 30 डिवाइड बाय 2, सो इट इज 45 बच्चों. ठीक है, सिमिलरली आप ए थ्री निकालो, सो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू 11 माइनस 8, सो इट इज 3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सो दिस इज 10 20, देन दिस इज 10, सो इट इज 30. ठीक है बच्चों, सो इट इज अगेन 45. सो देखो अगेन आप ए टू प्लस ए थ्री करोगे, सो इट इज 45 प्लस 45 ना, 45 प्लस 45, सो इट इज 90. सो एरिया अगर ऐसे निकालोगे तो भी बनेगा, या इसको दो ट्रेपेजियम लेके बनाओगे तो भी बनेगा. ठीक है, सो इस केस में भी 90 आ रहा है, मीन्स 90 प्लस दिस एरिया. ठीक है, और इस तरह से निकालोगे, सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया एज ए होल, सो इट इज 140 न्यूटन सेकेंड. सो ये बच्चों इम्पल्स आएगा. ठीक है, सो आपने इम्पल्स निकाल लिया इसका 11 सेकेंड, 0 टू 11 सेकेंड ड्यूरेशन में जब तक फोर्स एक्ट किया, इम्पल्स कितना जनरेट हुआ ये आपने निकाल लिया. ठीक है बच्चों, सो इम्पल्स हम लोगों ने क्या देखा था, इम्पल्स जे इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में अभी लेंगे नहीं, चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, सो वेक्टर फॉर्म में लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, मैग्नीट्यूड लेते हैं. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स जे इक्वल टू एफ डेल्टा टी, ये होता है, देन फिर दिस इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा टी, सो दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हमने बताया था बच्चों. देन वेलोसिटी का फॉर्म में लिखोगे, सो टी फाइनल क्या हो जाएगा, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, इतना आप याद कर लो सर. ठीक है, सो अभी देखो आपको निकालने क्या बोला, आपको बोला है वेलोसिटी निकालने. सो वेलोसिटी अगर हम लोग अभी नहीं भी निकाले, सो आपको इसमें बोल सकता था कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग है ना, एवरेज फोर्स एक्टिंग. सो एवरेज फोर्स कैसे निकालते, नेट इम्पल्स निकल गया ना, इसमें हम लोग डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं. सो डेल्टा टी कितना है, 11 है, सो 11 से अगर डिवाइड करते हैं हम लोग इसमें, तो एफ एवरेज निकल जाता है, मीन्स फोर्स इस तरह से एक्ट कर रहा है, लेकिन टोटल 0 से 11 सेकंड में एवरेज फोर्स कितना एक्ट किया, सो एवरेज फोर्स हम लोग निकालते हैं. सो बच्चों कुछ पोर्सन का हम मिटा दे रहे हैं, मान लो ये वाला पोर्सन हम मिटा देते हैं. ठीक है, फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो देखो
अगर इसे पूछता है एफ एवरेज, ठीक है, सो एफ एवरेज क्या होता है, टोटल इम्पल्स है ना डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। सो इम्पल्स 140 था, डिवाइड बाय हम लोग 11 कर देते है ना, क्योंकि टाइम देखो 0 to 11 है, सो इट इज 11, सो इट इज 2 टाइम। सो ये बच्चों आपका एवरेज फोर्स होता 140/11, क्लियर है, ओके। उसके बाद आ जाइए चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अगर पूछेगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंपल्स ना, सो चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट 140 है ना न्यूटन सेकेंड, 140 न्यूटन सेकेंड, ठीक है बच्चों, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ओके। अब आ जाइए अगर आपको पूछता है ठीक है वेलोसिटी निकालिए, जैसे यहां पे बोला कि फाइन वेलोसिटी निकालिए टी इक्वल टू 11 सेकंड पे क्या होगा, सो फाइन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 दिया है ना बच्चों, सो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 0 ना, बी इनिशियल इज 0, सो ये 0 हो जाएगा, सो इसका मतलब बी फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज नेट इम्पल्स जे बाय मास, ठीक है। सो नेट इम्पल्स कितना है बच्चों 140 बाय मास, देखो कितना है 7 kg है, सो 7 से डिवाइड कर दो, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सो देखा आप लोगों ने सेम क्वेश्चन है, हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट किए। आपको पूछ देगा इंपल्स जनरेटेड ड्यूरिंग 5 to 8 सेकेंड, सो सिर्फ और सिर्फ आप इस पर कंसेंट्रेट करना, ठीक है, बोल देगा फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, ठीक है, सो वेलोसिटी एट 5 सेकेंड में निकाल सकते हो, है ना, बोल देगा वेलोसिटी एट 8 सेकेंड, सो वेलोसिटी एट 8 सेकेंड में निकाल सकते हो, जैसे आपको बोलेगा वैसे निकाल सकते हो। सो देखो अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे फाइंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड, तो वेलोसिटी अगर टी इक्वल टू 8 सेकेंड में बोलेगा बच्चों, सो हम लोग कैसे चलेंगे, सो वेलोसिटी अगर टी इक्वल टू 8 सेकेंड में बोलता है, सो आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना इस एरिया पर और ये वाले एरिया पर, ठीक है बच्चों, इसको भूल जाना, भले ये ग्राफ दिया हुआ है लेकिन फिर भी इसको भूल जाना। सो ये वाला एरिया हम लोगों ने कितना निकाला था बच्चों 45, ठीक है, ट्रेपेजियम यूज करके, और ये एरिया A1 कितना निकाला है हम लोगों ने 50। सो यहां से यहां तक टोटल इंपल्स कितना हो जाता है 0 to 8 सेकेंड, 0 to 8 सेकेंड इंपल्स है ना मैग्नीट्यूड जे इक्वल टू 50 + 45, सो इट इज 95, ठीक है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो अगेन वेलोसिटी अगर टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे बोलता, सो इस पॉइंट पर टी इक्वल टू 8 सेकेंड पर हम लोग मोमेंटम निकालते, सो मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल क्या है बच्चों, इसको बी ऐड कर देते हैं याद रहेगा, देन माइनस एम बी इनिशियल, सो इक्वल टू जे, सो एम बी इनिशियल अगेन 0 दिया हुआ है, और अगर ये यू इनिशियल 0 नहीं रहता बच्चों, मान लो इससे कुछ वैल्यू दे देता है 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, सो ये भी नॉन जीरो होता, सो मास इंटू वेलोसिटी उस केस में हम लोग इनिशियल यहां पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। सो नहीं दिया है 0 है, इसको 0 कर दो, सो बी एट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज जे बाई एम, सो जे का वैल्यू क्या होता है बच्चों यहां से यहां तक, सो इट इज 95, ठीक है, डिवाइड बाय मास का वैल्यू, सो मास देखो 7 kg है ना, सो डिवाइड करते, सो मान लो डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आया 2 13, ठीक है, 4 13.5, ठीक है, सो इतना आपके पास मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। सो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे बनेगा बच्चों, ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड, सो मीन जब इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया ना, सो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया है बच्चों, इट इज 2 kg, ठीक है। सो कैलकुलेट द इम्पल्स ऑफ फोर्स, टोटल इम्पल्स बोला है निकालने, सो फिर हम बोल रहे हैं टोटल इम्पल्स मीन्स 0 टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड तक आपको निकालने बोला है,
तो नेट एरिया निकाल देना, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन में इंपल्स बोलेगा, लेट से अगर 1.5 टू 2.5 तो ये वाला एरिया में कंसंट्रेट करना है, 2.5 टू 3 बोलेगा, इसमें बोल देगा नहीं 1.5 से 3 सेकंड में इंपल्स कितना जनरेट हुआ, सो 1.5 टू 3 सेकंड का एरिया देखना है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो इंडिविजुअल भी आ सकता है, ओके। सो कैलकुलेट द इंपल्स, तो टोटल इंपल्स तो टोटल एरिया निकाल दो, सो नेट इंपल्स कितना हो जाएगा, नेट इंपल्स सो इक्वल टू देख लो ये वाला क्या हो जाएगा, यहां से जीरो से लेकर 1.5 तक बच्चों से ट्रायंगल बन रहा है ना, सो इट इज हाफ, है ना। ट्रायंगल का बेस देखो कितना है, 1.5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट कितना है बच्चों 3 है, सो ये हो गया। देन 1.5 से 2.5, सो ये वाला डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 2.5 माइनस 1.5 सो इट इज 1, है ना, दिस बेस इज 1। और ये वाला एरिया कैसा है बच्चों, दिस एरिया इज व्हाट, रेक्टेंगल, सो बेस इंटू हाइट, सो इट इज 1 इंटू 3, हो गया बच्चों। देन प्लस इसमें आ जाओ बच्चों, ये वाला क्या हो जाएगा, दिस एरिया इज ट्रेपीजियम, सो ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालोगे, सो इट इज हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दैट इज दिस बेस, सो 3 माइनस 2.5 सो इट इज 0.5, 3 माइनस 2.5 सो इट इज 0.5, इतना ये 0.5 हो गया। देन सम ऑफ पैरेलल साइड, सो दिस इज 2 न्यूटन एंड दिस इज 3 न्यूटन, सो 2 प्लस 3 सो इट इज 5, ठीक है बच्चों। दिस साइड इज ट्रेपीजियम का 3 है एंड दिस साइड इज 2, सो सम ऑफ पैरेलल साइड, सो 3 प्लस 2 सो इट इज 5, ठीक है। देन प्लस बच्चों ये वाला देखो, अगेन आपके पास रेक्टेंगल है जिसका बेस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 सो इट इज 1 ना, ठीक है। देन दिस हाइट, सो इट इज 1 इंटू 2। सो बच्चों इस केस में देखो, निकालो कैलकुलेशन करो, सो 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, सो 1.5 है ना, सो 1.5 इंटू 1.5 सो 2.25, ठीक है बच्चों। देन प्लस 3 हो गया, देन प्लस यहां पर देख लीजिए 0.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 सो इट इज 1.25, ठीक है बच्चों। देन प्लस 2 हो गया, सो बच्चों इसको ऐड कर दो, देखो 3, 2, 5 देन 2, 7 है ना, देन 8 सो 8.5, ठीक है बच्चों, क्लियर है, है ना। 8.5 इसमें आपका इंपल्स का वैल्यू आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स जे इक्वल टू 8.5 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। सो ऐड करके देख लीजिए फिर से, ठीक है 8.5 न्यूटन सेकेंड, ठीक है बच्चों। सो कैलकुलेट द इंपल्स, तो इंपल्स कितना आ गया 8.5 न्यूटन सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी है इस पॉइंट पर आपको निकालना है, सो दिस इज द बी फाइनल, है ना, एट द एंड ऑफ जर्नी, जहां पर जर्नी खत्म हुआ। सो देखो कैसे निकालोगे फाइनल वेलोसिटी, सो दैट इज द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, सो इट इज जे, सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल सो इट इज जे, सो पी फाइनल अगेन एम भी फाइनल माइनस एम भी इनिशियल इक्वल टू जे, ठीक है बच्चों। सो आपको फाइनल बोला है, सो बी फाइनल क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू जे प्लस एम भी इनिशियल डिवाइड बाय एम, सो जे का वैल्यू बच्चों 8.5, ठीक है, प्लस मास देखिए 2 है इंटू 5 कर दो डिवाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी 5 है देन डिवाइड बाय मास 2, सो देखो बच्चों ये 10 हो गया, 18.5 डिवाइड बाय तो कितना आ जाएगा, ये 9.25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, सो 9.25 मीटर पर सेकेंड बच्चों इस केस में आपका जो है वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। सिमिलरली इसमें डिफरेंट सेक्शन में भी दे सकता था, तो वो हम बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, एरिया निगेटिव साइड में चला गया है ना, सो ऐसा क्वांटिटी जो स्केलर है ना, जैसे हमने बताया था स्पीड के केस में, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि टोटल पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। सो अगर आपको डीटी कर्व दिया रहेगा है
है ना, उससे अगर आपको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट निकालने और डिस्टेंस निकालने। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बताया था कि जो निगेटिव एरिया है उसको निगेटिव साइन के साथ आप एड करोगे, ठीक है। और अगर डिस्टेंस निकालने बोलता सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, है ना, उसमें टोटल पाथ लेंथ लेते हैं। सो टोटल पाथ लेंथ के लिए हमने बताया था कि जो निगेटिव एरिया है उसको भी मैग्नीट्यूड लेके ऐड करोगे, मींस उसको पॉजिटिव ही ऐड करोगे, पॉजिटिव वैल्यू उसका बना के ऐड करोगे, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। सिमिलरली यहां पर देखो इम्पल्स जे जो है, जे दिस इम्पल्स इज व्हाट, ए जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और जे का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो जे इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है बच्चों। सो वेक्टर है, सो वेक्टर अगर है सो इस केस में क्या होगा, आपको साइन देखना पड़ेगा एरिया का, ठीक है बच्चों। सो साइन अगर देखोगे बच्चों इस केस में, सो देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं साइन। सो देखो दिस एरिया इज पॉजिटिव, दिस एरिया है ना ये वाला रेक्टेंगल, देन दिस इज ट्रायंगल अगेन पॉजिटिव, दिस एरिया इज निगेटिव, दिस एरिया इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। सो वी आर कैलकुलेटिंग इम्पल्स, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो पॉजिटिव निगेटिव एरिया आपको लेके चलना है, ठीक है ना। सो ओके, सो टोटल एरिया निकाल दो, सो टोटल इम्पल्स, टोटल इम्पल्स जे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो एरिया टोटल निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, सो देखो आगे ये वाला एरिया में पहले आइए, सो दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज जीरो, सो जीरो टू थ्री, थ्री माइनस जीरो सो इट इज थ्री, बेस इज थ्री, इस रेक्टेंगल का बेस थ्री है, सो थ्री इंटू दिस हाइट सो इट इज टेन, ठीक है। देन प्लस ट्राइंगल, सो फाइव माइनस थ्री, बेस कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, सो हाफ इंटू बेस टू इंटू हाइट, सो हाइट इज अगेन टेन, ठीक है बच्चों। देन प्लस पॉजिटिव एरिया पहले ले लेते हैं, सो 8.5 माइनस 7, सो इट इज 1.5 और हाइट 5 है, सो 1.5 इंटू हाइट 5, ठीक है। देन इस एरिया को माइनस करो, सो इसमें देखो दो पार्ट है, एक छोटा सा देखो पहले ट्रायंगल है, देन फिर ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सो ट्रायंगल का निकालो, माइनस हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, सो इट इज 1 इंटू ये हाइट नहीं दिया हुआ है, सो हाइट ले लो, है ना, ये वैल्यू मिस कर गया होगा, इसको ले लो, सो इट इज माइनस 5, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, सो इट इज 5, ठीक है। सो हाफ इंटू 1 इंटू 5 दिस इज हाइट, ठीक है। सो ट्रायंगल का एरिया निकलते हैं, रेक्टेंगल का हो गया, सो रेक्टेंगल में अगेन माइनस, बेस 7 माइनस 6 सो इट इज 1, देन बेस इंटू दिस, ठीक है, सो इट इज 5 निकल गया एरिया। सो देखो दो एरिया को हम लोगों ने माइनस कर दिया, सो दिस इज 30 प्लस 10 देन प्लस 7.5, ठीक है। देन निगेटिव एरिया माइनस 5, देन दिस इज इसको एड कर दो प्लस 2.5, ठीक है बच्चों। सो देखो कितना हो गया, 40 प्लस 7.5 और निगेटिव एरिया अगेन 7.5, ठीक है। सो ये 40 आता है बच्चों कैलकुलेशन में, 40 और यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड एस, ठीक है। सो इम्पल्स बच्चों इतना आ गया, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर इसमें 2 मीटर पर सेकेंड दिया, मास 10 केजी दिया है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी अगर यहां पर पूछ दिया आपको, ठीक है, 8.5 पर, सो निकाल देना एम बी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल इक्वल टू जे, ठीक है बच्चों। सो बी फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे प्लस एम बी इनिशियल बाई एम, ठीक है। सो जे का वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाल दिया टोटल, क्योंकि आपको इस पॉइंट पर बोला है, सो इसलिए टोटल एरिया देना है। अगर वेलोसिटी अगर आपको बोलेगा टी इक्वल टू 5 पर, सो आप 0 टू टी इक्वल टू 5 ही लेना एरिया, ठीक, जैसा आपको बोलेगा, ठीक है, ओके। सो 40 प्लस एम का वैल्यू 10 है, देन वेलोसिटी 2 है बच्चों, देन डिवाइड बाई 10 मास, सो इट इज 60 बाई 10, सो दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, सो ये फाइनल स्पीड होगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप एफटी ग्राफ पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इस तरह का न्यूमेरिकल बना लोगे और इस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग अलग टाइप, वो भी आपने देखा, ठीक है बच्चों। सो पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, हम इसी तरह से वीडियोस बना के आपके सामने आते रहेंगे और आप लोगों के साथ कंसेप्ट डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।